हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जिसको WWE ने अभी ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे, और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियली WWE ने एडवर्टाइज कर दिया है कि 4 जून का जो हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, वहां पे हमें एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस साशा बैंक अब बेली के बीच में। अब देखो फ्रेंड्स, एक साइड पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस रहेंगी और एक साइड पे यानी कि बेली के साथ साशा बैंक रहेंगी, और जैसा कि आपको मालूम हो कि बेली एक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है, तो काफ़ी अच्छा ये भी हमें मैच देखने को मिल सकता है। और ये मैच हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। अगर इसमें टाइटल चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, तो 4 चांस जाएगा कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि फर्स्ट एवर वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस नहीं है, यानी कि साशा बैंक एंड बेली है। तो कल वो दोनों ये टाइटल को जीत जाती हैं तो काफी शॉकिंग हो सकता है, और इससे हमें ये भी हिंट देखने को मिल सकता है कि शायद स्मैकडाउन का व्यूअरशिप अप भी चढ़ जाए। और नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन, मीज एंड मॉरिसन के बीच में, और WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि हमें इन तीनों का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन तीनों का हमें कल सेगमेंट देखने को मिले, और ऐसा नॉर्मल हमें सेगमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, यानी कि एक लड़ाई टाइप से हमें देखने को मिल सकता है तीनों सुपरस्टार के बीच में। अब ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स कि मीज एंड मॉरिसन पे ब्रॉन स्ट्रोमैन भारी पड़ जाए, और ऐसा होगा क्या कि वो उनकी कुटाई हो जाएगी। और हमें ये भी देखना होगा फ्रेंड्स कौन किस पे भारी पड़ता है, लेकिन अभी ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुकी है कि हम एक माइक का प्रोमो देखने को मिलेगा बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन, मीज एंड मॉरिसन के बीच में। और नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है फिर से, यानी कि मैंडी रोज ओटिस वर्सेस सोनिया डेविल एंड डॉल्फ ज़िगलर के बीच में। अब देखो फ्रेंड्स, WWE पास्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होता है वहाँ पे हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसमें डोमिनेटिंग रहते हैं सोनिया डेविल और डॉल्फ ज़िगलर, और इस मैच को और नहीं बल्कि मैंडी रोज और ओटिस हार जाते हैं। तो हो सकता है कोई और सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है चारों सुपरस्टार के बीच में, और कुछ इसी प्रकार से हमें हिंट मिल जाएगा कि अभी भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें ओटिस, मैंडी रोज, डॉल्फ ज़िगलर और सोनिया डेविल का राइवलरी का एंडिंग नहीं हुआ है। और नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट शायद हमें देखने को मिल सकता है कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और ये सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है न्यू डे की तरफ से। अब देखो फ्रेंड्स, न्यू डे का ओपोनेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को किस सुपरस्टार के अगेंस्ट रेसल करेंगे और कौन सा वो टैग टीम होगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स कल के स्मैकडाउन में ये रिवील हो जाए कि वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को ऑन द लाइन किस सुपरस्टार के अगेंस्ट रखेंगे, और वो कौन सा सुपरस्टार होगा, यानी कि कौन सा टैग टीम होगा जो कि उनका चैलेंज करेगा। और चांसेस ज़्यादा हैं फ्रेंड्स कि वो टैग टीम और कोई नहीं बल्कि फॉरगॉटन सन्स हो सकती हैं। हाँ फ्रेंड्स, हमें फॉरगॉटन सन्स का अटैक देखने को मिल सकता है और कुछ इसी प्रकार से टीज हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दे कि बैकलैश 2020 में हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे वर्सेस फॉरगॉटन सन्स के बीच में मैच देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है फिर से डेनियल ब्रायन और एज स्टाइल के बीच में। अब देखो फ्रेंड्स, IC चैंपियनशिप का टूर्नामेंट का फाइनल स्पॉट हमें मिल चुका है, यानी कि डेनियल ब्रायन वर्सेज एज स्टाइल का हमें मैच देखने को मिलेगा बैकलैश 2020 फॉर द IC चैंपियनशिप। तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें हिंट देखने को मिल जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा और कैसा ये हमें मैच देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अभी ये भी रूमर्स आ रहे हैं और ये भी अभी रूमर्स लीक्ड होकर आई है कि बैकलैश के ये जो मैच है वो टेप्ड हो चुका है, और इसके जो विनिंग है और जो ये मैच है काफ़ी अच्छा ये मैच हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि जो पूरा बैकलैश का मैच है सबसे अच्छा यही मैच है। तो फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें हिंट मिल जाएगा कि एज स्टाइल वर्सेस जो डेनियल ब्रायन का मैच हमें देखने को मिलेगा बैकलैश 2020 में वो कैसा हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑफेयर जा सकता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।